अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो काफ़ी टाइम पहले उठ चुके थे, मैं उठ के व्लॉग एडिटिंग कर रहा था जो अपलोड करना था, तो व्लॉग एडिटिंग नहीं हुई थी तो फटाफट से मैंने एडिटिंग कर दिया है। और कोई नहीं, वो बच्चे लोग खेल रहे थे ना, बच्चे लोग का काम है। सुबह सुबह हो गया है, फिर से आज एक कांड। सबसे पहला कांड हुआ मेरा, फाउंडेशन की बॉटल गिर के पूरी फूट गई। और अभी दूसरा कैप डीओ लगा रहे थे तभी पूरा डीओ उखड़ के नीचे गिर गया। डीओ एज इन वो रोलर है, वो पूरा उखड़ के गिर गया। और अभी तीसरा कांड हो चुका है। और आज हम लोग असली रूप देखेंगे फ्लोर वाले बराबर। और एक चीज अभी मैं मेंशन करना चाहूंगा कि आज फाइनली हमने डिसाइड किया है हमारी लव स्टोरी बताने का। तो अब फटाफट से रेडी हो गया हूँ मैं, तो शिरिन भी अभी रेडी हो जाएगी। पहले फ्लोर का सब रैप अप करते, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली आपसे ट्राई करेंगे मिलने के लिए हमारी फर्स्ट मीटिंग की प्लेस पर, है ना। तो डायरेक्टली वहां जाके मिलेंगे और वहीं से हम हमारी लव स्टोरी की शुरुआत करेंगे। तो मिलते हैं थोड़े टाइम बाद। अभी हम लोग निकल रहे हैं, जा रहे हैं हम लोग जो प्लेस पे हम लोग सबसे पहले मिले थे। सो वहाँ पहुँच के आपसे मिलती हूँ। पहले तो हम कहाँ मिले थे मैं आप लोग को वहीं पहुँच के बता दी। सबसे पहले मीट हमारी नहीं, अभी नहीं रहने। सो सबसे पहले हम लोग मिले थे एग्जैक्टली आपको मैं आपको बात करना थी। अभी दिल की आवाज़, ये सब खोदम खाली की आवाज़ आ रही है ना, सो थोड़ा सबर करो, पता चलेगा। ये है वो प्लेस, एक्चुअल में ये मेरी स्कूल है, सेंट सेबास्टियन हाई स्कूल। नहीं, मैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल पढ़ती थी। नहीं, ऐसा नहीं था। एक्चुअल में ये सीन था कि लॉकडाउन नहीं खड़े थे, उधर खड़े थे, उधर खड़े थे, पर उधर धूप बहुत आ रही है। सो सीन ये था कि ये जो स्कूल है तो स्कूल के पास ही मैंने बोला कि हम यहाँ पर आएंगे। ऐसा था, मैं बताता हूँ स्टार्ट से, बैठ जा बाइक, रुक जा। सो मैं स्टार्ट से बताती हूँ क्या हुआ था। हुआ ये था कि अब मैं उसका नाम नहीं लूँगी बट अच्छा भी नहीं लगेगा। सो मेरी एक फ्रेंड बनी थी, वो भी मतलब अम्मी की फ्रेंड की बेटी थी, तो वो मेरी भी फ्रेंड है। सो वो मेरी भी दोस्त बन गई थी, तो मेरा उसका बॉन्डिंग थोड़ा अच्छा चल रहा था क्योंकि लॉकडाउन का समय था, इतना कहीं आना जाना नहीं हो रहा था। तो फिर हम वहाँ गए पहली बार, तो फिर मेरा नंबर एक्सचेंज हुआ उससे, फिर उससे मेरी थोड़ी थोड़ी बात होने लगी, तो हम लोग थोड़ा क्लोज हो गए वो और मैं, अच्छी दोस्त बन गए। दोस्त बनने के बाद क्या हुआ कि इधर मेरे को हाथ का सहारा भी मिल रहा है। सो हुआ ये कि उसने मेरे को वीडियो कॉल करी और वीडियो कॉल करके हम लोग मेरा स्क्रीनशॉट ली, हम लोग की बातों का ऐसा स्क्रीनशॉट ली। तभी स्क्रीनशॉट लेके उसने उसके स्टेटस पे डाली ना, व्हाट्सएप स्टेटस। हाँ, व्हाट्सएप स्टेटस पे डाली। तो व्हाट्सएप स्टेटस पे उसने डालने के बाद, अब वहाँ से मैं बताता हूँ, तो मैं ऐसे एक दिन व्हाट्सएप पे स्टेटस सबके चेक कर रहा था, तो अचानक से मुझे और उसका कैसा था, वो और मैं काफ़ी साल से एक दूसरे को पहचानते और हम लोग का एक बॉन्ड बहुत अच्छा बॉन्ड था। तो हम लोग, मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था व्हाट्सएप के स्टेटसेस और अचानक से मुझे उसका स्टेटस दिखा, तो मैंने उसको पूछा कि भाई कौन है करके। और मैं वो टाइम पे था सिंगल, लॉकडाउन का टाइम था और मैं सिंगल था, और उसको पूछा कि हाँ चाहिए थी। तो मैंने उसको पूछा कौन है करके, तो उसने मुझे बताया कि ये बॉस की बेटी है। हाँ, तो भाई साहब ने क्या बोले, मैंने भी दिया, मैं बोला तेरा भाई कौन सा कम है करके, देख जरा बात कर। तो उसने बोली नहीं, शी इज ऑलरेडी डेटिंग, उसने मुझे ऐसे बताया। तो मैं बोला चल ठीक है, जाने दे, अगर है तो फिर खत्म हो गया। तो सडनली अल्टीमेटली नेक्स्ट डे मुझे उसी के इंस्टाग्राम स्टोरी पे इसकी फिर से एक स्टोरी दिखती है जिस पे इसकी थी आईडी मेंशन। अब भाई हम बैठे तो मिल गया, तो मैंने उसकी आईडी को खोला तो इसके पोस्ट मैंने चेक किए, वहाँ पे ऐसा एक भी चीज़ नहीं था कि जहाँ पे मेंशन हुआ है कि शी इज़ नॉट लाइक सिंगल या शी इज़ डेटिंग समवन, ऐसा नहीं। बट आई वाज डेटिंग समवन। तो मैंने स्मार्ट मूव किया वो टाइम पे, मैंने क्या किया, मैंने पहले एक फ़ोटो लाइक किया और मैंने छोड़ दिया,
मैं बोला यार इसके एक फोटो लाइक करूंगा तो इसका ध्यान मेरे को पहले मेरा बता लेने देना है। हुआ ये कि ये लड़का इतना होशियार निकला। मैं एक्चुअल में ना इतने लोग मेरी फोटोज लाइक करते हैं, इतने लोग मुझे मैसेज करते थे वो टाइम से भी, जबकि मैं इतना भी मतलब मैं इंस्टा पे ज़्यादा ये नहीं थी, मैं टिकटॉक पे बहुत थी, बट मेरे को इतने लड़के लोग मैसेज करने का ये वो आर यू सिंगल आर यू डेटिंग समवन ये वो, मैं किसी को रिप्लाई नहीं देती थी। बट जो कहते ना कि अल्लाह जब जोड़ी बना के भेजते तो वो कहीं से भी कैसे भी मिल जाती है, बट वो हुआ ये। तो मैंने पहले एक फ़ोटो लाइक किया, फिर मैं बोला यार अब इसके फॉलोअर्स इतने सारे हैं, ये अपने फ़ोन कहाँ अपने को देखी। तो मैंने एक दिमाग चलाया, मैंने इसके 6 से 7 फ़ोटोज़ को लगातार लाइक किया ताकि नोटिफिकेशन पे दिखे कि इतने सारे फ़ोटोज़ एक आईडी से लाइक हुए। तो इसने चेक किया मेरी आईडी को उसी दिन ही, आई गेस नेक्स्ट डे चेक नहीं किया। उसी दिन ये धड़ाधड़ बज रहा है, मैंने बोला ये कौन है जो इतना इरिटेट कर रहा है मुझे। तो मैंने मेरी स्टोरीज चेक की, इसने जब मेरी स्टोरीज चेक की और इसने मेरा एक फोटो लाइक करके ब्लैक कलर के मैं टी शर्ट में, तो मैं ट्राई करता हूँ स्क्रीनशॉट डालने के लिए, देख लेना वो भी। तो वो फोटो को इसने मेरे लाइक करके छोड़ा। अब मैं समझ गया, मेरा भाई बंदी नहीं अटकी कुछ नहीं, अटकी नहीं बोला, मैं बोला कि हाँ चलो ठीक है चांस है। फिर से मैंने वही स्कैम किया उसके साथ, फिर से मैंने और 4-5 फोटो लाइक किया। अब मैं बोलूं या नहीं बोलूं? बोलो बोलो, मेरे वो भी खड़े, कौन है वो? कौन है वो? कौन है? अच्छा अब्बा की फुप्पा है ना, अरे यार खुद के फुप्पा को नहीं पहचानती है यार। हाँ तो उसके बाद मैंने वापस से लाइक किया, फिर मैंने उसको फॉलो किया, फिर इसने मेरे को फॉलो बैक किया। नहीं किया था? सुन रे बाबा मैं बता रहा हूँ, तेरे को नहीं पता है। हाँ फॉलो बैक किया, फॉलो बैक करने के बाद मैंने इसको सामने से मैसेज किया, हाय हेलो हुई, बात बात हुई। मैंने इसको तभी एक टकार दिया कि मैं ट्रेनर हूँ। हाँ जबकि मैं ट्रेनर नहीं था, नहीं था मैं। हाँ मेरी फिजिक वगैरह अच्छी थी, आई वॉज इन टू फिटनेस ट्रेनिंग सब, बट मैं स्पेसिफिकली ट्रेनर नहीं बना था। तो उस तरीके से हमारी बात हुई, वर्ड्स एक्सचेंज हुए, और बस उसी रात में मैंने मैडम को प्रपोज मार दिया। नहीं नहीं ऐसा नहीं था, अरे प्रपोज मार दिया नहीं था, चैट भी नहीं मिलेंगे क्योंकि वो आईडी से ब्लॉक कर दिया, आईडी ब्लॉक हो गई है। हुआ ये था कि कैफ ने जब मुझे मैसेज करे थे ये वो करके, तो मेरे को था कि मैं ना बहुत ज्यादा हेल्दी हो गई थी लॉकडाउन में, पूरी बात बताऊं मैं बहुत ज्यादा हेल्दी, मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गई थी। हेल्दी होने के बाद है ना मैंने बोला कि यार यार चल फिटनेस में भी है, इसमें तो मुझे शायद ये कुछ ना कुछ बता सकेगा कि मैं नुस्खा क्या नुस्खा जिसमें मैं पतली हो जाऊँ। तो कैफ ने मुझे बोले कि ऐसा ऐसा है ये वो करके, हाँ मैं ये हूँ। तो खुद के मैंने बोला यार मेरे वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ ऑल्सो वेरी फिट एंड ये वो, तो मैंने उसकी फ़ोटो भेजी। कैफ चिढ़ गए, कैफ चिढ़ गए। चिढ़ने के बाद कैफ ने बोले नाइस 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 करके, फिर उन्होंने कैफ के धड़ाधड़ फोटो भेजी। मैंने बोला हाँ नाइस 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 करके, तुमने भी भेजा। मेरे को एक पुरानी अपनी फोटो भेजी जिसमें बीच कंडी दिख रही है, इतनी पतली दुबली है यार, पूरे मेरे को बोलती पहले मैं ऐसी थी। मैं भी देख रहा हूँ, मैं बोला ये पहले ऐसी थी और अभी ऐसी क्यों हो गई अचानक से। ठीक है फिर वो हुआ। तो वो होने के बाद भाई साहब ने मेरे को क्या बोले, क्या आई हेल्प यू, आई हेल्प यू, टेक माय नंबर, सीधा नंबर दे दिए, सीधा नंबर दे दिया। तब हर तो प्रपोज सब हो गया एक टाइम पे। मैंने बोला हाँ भी बोल दिया था इसने, अरे मैंने हाँ नहीं बोला, हाँ बोला था नहीं। क्या यार फिर चैट्स नहीं है ना, नहीं मैंने हाँ मैं प्रूफ देता था, प्रूफ नहीं मैंने हाँ नहीं बोला था कैश, मैंने हाँ नहीं बोला था, मैं नॉर्मल हाँ बोली थी शिरीन। अगर ठीक है मैंने हाँ भी बोला था, मैंने मस्ती मस्ती में चलो, मैंने एक दिन हाँ बोल दी थी, हाँ बोल दी, शादी कर ली, मर गई मैं। तो हाँ बोल दी एक दिन में, उसके बाद नंबर एक्सचेंज हुआ, नंबर एक्सचेंज होने के बाद थोड़ी बात बात हुई, बात बात होने के बाद वीडियो कॉल्स होते थे, वीडियो कॉल्स होने के बाद एक दिन अचानक से इसका हुआ घर पे झगड़ा। और लॉकडाउन का टाइम था, मेरा एक दोस्त था मेरे साथ उस वक्त, फैजान नाम है उसका, बहुत से वीडियोज में नहीं दिखा होगा। एक सेकेंड रुक जा, अभी ये कट करके फिर बोलते हैं। तो अभी गाइज हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में बता रहे क्योंकि हम लोग को ये चाहिए कि हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट कैसे हुआ, हमको बस इतना आप लोग को डिटेल में बताना है। तो इसके लिए हम लोग सिर्फ इतना पार्ट हमारा डिटेल में बताएंगे, बाकी सब होप आप लोगों को थोड़ा डिटेल में जानने भी अच्छा लग रहा है। यस क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा बोलने लग गए। कंटिन्यू करता हूँ, तो मेरा एक दोस्त था मेरे साथ फैजान, और अचानक से इसका और मेरा वीडियो कॉल चालू था एंड शी स्टार्टेड क्राइंग ऑन द कॉल। मैंने उसको पूछा क्या हुआ करके, उससे पहले ही मतलब मैसेजेस पे ना एड्रेस वगैरह हम लोग एक्सचेंज हो गए थे, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं यहाँ रहती हूँ, ये वो बात बात सब हो गई। तो
उतने में मेरे दिमाग चला है कि यार मैंने मेरे दोस्त को बोला फैज़ान ये तो रो रही है, एक काम करते चल इसको जाके अपन मिल लेते। तो फैज़ान ने बोला अरे ब्रो लॉकडाउन का सीज़न है, नहीं जा सकते, चेंबूर दूर है, नज़दीक नहीं है, नाकाबंदी ये वो। मैंने बोला चल ठीक है। हम लोग मेरे पास तभी ब्लैक कलर की एक्टिवा थी। और दीदी आपके चैनल का नाम क्या है? ये देखो नंबर प्लेट पर कैफ शिरिन व्लॉग्स। ये नहीं ये लोग को भी ये देखो यहाँ पे स्कूल क्या है और मिल रहे हैं ठीक है। तो फिर मैंने गूगल पे इसका एड्रेस डाला आरसीएफ पुलिस स्टेशन का और फॉलो करते करते मैं आया। मैं आते आते फिर सडनली इसका वीडियो कॉल आया। मैं कुछ ना कुछ कहा है, मैं इसको लगा कि मैं यही बैंड्रा में ही बैंड्रा या बैंड्रा नहीं नहीं ऐसा नहीं था। मेरे को ऐसा हिंट पड़ा कि शायद कैफ इधर आए हैं, तो मैंने एकदम बहुत बहुत ज़्यादा ही रोई हुई थी, तो मेरी आँख वाँख सब सूजी हुई थी, मैं एकदम मेरा मुँह पूरा सूजा हुआ था। तो मेरे को ऐसा फील हो रहा था अंदर से कि शायद ये लड़का इधर आया, शायद ये लड़का इधर आया। फिर अचानक से क्या हुआ, मैंने उसको वीडियो कॉल किया। वीडियो कॉल करके इसकी बिल्डिंग के पीछे के साइड पर खड़ा था और मैंने बैक कैमरा चालू करके इसको की बिल्डिंग दिखाया और मैं शॉक, बिल्डिंग देख के शॉक, मैं एकदम हक्की पक्की। मैंने वो तो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, एकदम शॉक। और मैंने चाय चढ़ाई अम्मी के लिए, मैं चाय दूँ कि ये नीचे आया, मैं नीचे इससे मिलने जाऊँ, मैं क्या करूँ, मैं एकदम ब्लैंक हो गई थी। मैं इतनी डर गई। फिर अच्छा हो गया खुशी आंटी दबी थे है ना, खुशी आंटी दबी थे। तो मैंने खुशी आंटी को बोला खुशी आंटी मैं चाय रखी हूँ, मैं बस दो मिनट में आ रही हूँ। मैंने बुरका डाला, मैं उतरी धड़ाधड़ नीचे और ये एकदम आगे ऐसे खड़े हुए और मैं व्हाइट कुर्ते में, ये आगे खड़ा हुआ है और मैं इधर मेहंदी कलर की पैंट पहनी है मैंने, और ना वो तो आगे खड़ा मैं इधर खड़ी हूँ और ना मैं उसको देख के हंस रही हूँ, रोना भी आ रहा है, हंसना भी आ रहा है कि पहली मुलाकात है यार, क्या बोलूं मैं, कैसी दिख रही हूँ, मैं रोई भी हूँ बिना मेकअप के। बाइक पे ट्रिपल सीट बैठे वहाँ पे, वहाँ से हम लोग इसके स्कूल के पास यहाँ पे आके खड़े हुए, हमारी थोड़ी बातें हुई। जान बाइक से नहीं आए थे अपन, वॉक करके आए थे शायद, वॉक करके आए थे, वॉक करके आए थे, बाइक वहीं पार्क किया। हाँ क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिक्ट बहुत है, क्योंकि यहाँ से पूरे बहुत सारे पुलिस स्टेशन, जैसे हमारे घर के पास पुलिस स्टेशन लगता है तो कभी कभी पुलिस अगर लोग पकड़ लेते तो हम लोग कुछ खाली पकड़ा कुछ बोल नहीं पाते। तो मैंने प्लान किया कि हम लोग चलते हुए जाएं। तो चलते 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 आए इसके स्कूल के पास, यहाँ पहुँचे, यहाँ बैठे, थोड़ा चिल किए, हम लोग ने बात बात की, वीडियो बनाया। फिर सबसे पहली हमारी साथ में एक वीडियो फैजान ने बनाया था। हाँ। वो वीडियो इसके बाद आप लोग देख लेना, है वीडियो अपने पास? है शायद मेरे फोन में है, है। कहीं ना कहीं से हम लोग ट्राई करेंगे निकालने के लिए, क्योंकि मेरी जो आईडी हैक हुई है वो आईडी पे हर एक चीजें थी। तो वो वीडियो दिखा दूंगा, वो देख लेना आप वीडियो। सबसे पहला हमारा टिकटॉक का वीडियो था, सबसे पहला टिकटॉक का वीडियो था। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ी बहुत पिक्चर्स खींची थी, वो भी है तो वो भी दिखा देंगे, है मेरे पास, वो भी देख लेना। फिर यहाँ से हम लोग मिलके बात बात करके हम लोग वॉक करके निकले, जिस वे से आए थे उस वे से ही रिटर्न गए। ये गई घर पे, मैंने बाइक स्टार्ट किया, मैं निकल गया अपने घर। फिर उसके बाद में कैफ को ऐसी लत लगी यहाँ चेंबूर आने की। फिलहाल ये जो हमारी फर्स्ट मीटिंग का सेशन था वो यहीं खत्म होता है। सेकंड मीटिंग में को याद नहीं, सेकंड मीटिंग मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब पहली बार मैं इसकी अम्मी से मिला था। मैं अब आपको वो बिल्डिंग के नीचे पहुंच के मिलता हूं। चलो फटाफट से हैं बिल्डिंग के नीचे। तो यहाँ पर है मेन गेट, मैं यहाँ से नहीं, रुको मैं बता रही हूँ, डिटेल में जब बताना तो भी डिटेल में बताएंगे। लड़का ना तो यहाँ पे गेट है, गेट के चल गेट के बाहर नहीं, यहाँ से मैं ऐसा टर्न मारती हूँ। पहली वाली मीटिंग की बात कर रही हूँ। यहाँ से मैं ऐसा टर्न मारती हूँ, रुको तो सही, यहाँ से मैं ऐसा टर्न मारती हूँ, कहाँ है ये लड़का। फिर मेरी नज़र जाती है वहाँ पर, जहाँ पर देखो वो ब्लू कलर का कवर लगा हुआ कार खड़ा है ना, जहाँ बाइक लगी है वहाँ पर कैफ खड़े हुए वाइट कुर्ते में। और मैं देखती हूँ ला 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 ला। मीटिंग की बात स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे इसके अब्बा बैठे थे, यहाँ पर अब्बा बैठे थे अपनी घर, और मैं उनको देख के थोड़ा वो हो गया
अच्छा मैंने बाइक है ना काफ़ी दूर लगा के आया था क्योंकि नाकाबंदी थी, मैं वहाँ से यहाँ तक चल के आया था सिर्फ एक बात पे से, क्योंकि उसको खाना था लक्की होटल का कैरेमल कस्टर्ड। मैंने कैरेमल कस्टर्ड मंगाया, जोहर की नमाज पढ़ा, घर से निकला मैं आया और इसके अब्बा बाहर बैठे थे। मेरे को इतना आइडिया था कि ये फिफ्थ फ्लोर पर रहती है, तो मैं बराबर अंदर गया, वहाँ से लिफ्ट पकड़ के ऊपर गया। आए आने के बाद ये बराबर ऊपर गए और मैं घर में थी नहीं, घर में थी नहीं, मैं इसको कॉल पे कॉल कर रहा हूँ और मेरा फोन में घर पे छोड़ के चली गई, फोन में जवाब नहीं दे रही है और ये और भड़क गया। कम से कम 45 आधा घंटा पौना घंटा मैं खड़ा था बाहर, उभी इतना गर्म, ऊपर से लेके नीचे तक मैं पूरा पसीना पसीना हो गया। उठने में जैसे मैं फिर से फिफ्थ फ्लोर पे चढ़ा, मैं बोला लिफ्ट लेके नीचे उतर के खड़े रहता हूँ। और हमारी खुशी अंडी कितनी भारी, खुशी अंडी इतनी भारी है हमारी खुशी अंडी। खुशी अंडी ने फोन करा अम्मी के फोन पे, कहा है अंटी कहा है? तो अम्मी बोली क्या हो गया खुशी, क्या हो गया? अरे शिरीन का आदमी आया है। मेरी माँ बोली शिरीन का आदमी? तो मेरे को देख रही अम्मी बोलती तेरा आदमी कौन है? मैंने बोली मेरा आदमी कौन है? मैं भी अम्मी को पूछ रही मेरा आदमी कौन है, मैंने कौन है खुशी अंडी कौन आया? पहली बार जब मिल रहा था कैफ तो अम्मी से, तो तभी एकदम मस्त बॉडी बॉडी ऐसे चौड़े सीना तान के थे, तो अम्मी भी लड़के का अंदर बोला, लड़के का अंदर बोला। वो भी उन्होंने बहुत इंसिस्ट करके मुझे ऊपर लेके आया था, क्योंकि मैं नीचे से ही उसको देख के मैं जाने के लिए आया था, मुझे लेके आया ऊपर बिठाया घर में, फिर घर में बैठते साथ तो खत्म, क्या खाएगा? आ रहा है डोसा गरम गरम, चाय डोसा चाय, बस तब से डोसा चाय, अभी तक डोसा चाय, ऐसा नहीं एक बात बोल रहा हूँ। तो ये मीटिंग में हुआ ये था, मेरा मन था कस्टर्ड खाने का, कैफ लेके आए कस्टर्ड का, वो भी मेंशन कर लक्की होटल का, मेंशन नहीं मेरे को लक्की होटल का नहीं चाहिए था, उतना सड़ा बना के लेके आया था, देखो लक्की का ही तूने बोली थी, बट अच्छा नहीं बनाया था उसने उस समय। बट कैफ लेके आए थे, लेके आने के बाद वो सब सीन हुआ, फिर घर पर आए और घर पर आने के बाद वो यहाँ बैठे हुए थे और मैं गरम गरम डोसा बना रही थी, मेरी जिंदगी डोसा हो गई, डोसा बना बना के। और यहाँ पे मेरे बाजू में अब्बा बैठे थे, फिर उसके बाद फिर जो कैफ को घर की आदत लगी, ओए 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 लाले जॉब देखो। तो हम लोग के रिलेशनशिप में आने के बाद मीटिंग ये फर्स्ट सेकंड मीटिंग होने के बाद फिर शबे बारात भी आई थी, जिस दिन पहली बार मेरा और शिरीन का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, इतना बड़ा किसी तीसरे इंसान की वजह से हुआ था, जिसको मैं मारने के लिए बैंडल से चेंबूर भाग के आया था। चलो होता है यार। तो फिर उसके बाद घर की आदत लग गई, आए दिन घर पे आता था, खाता था, पीता था, जाता था, आता था, खाता था, पीता था, जाता था, बस ऐसे ही चलता था। फिर उसके बाद हम लोग कभी कभार बैंडा जाते थे, नहीं हाँ हम लोग एक जगह बहुत ज़्यादा जाते थे जो लॉकडाउन में एक सेफ जगह लगती थी हम लोग को जाके थोड़ा चिल करके आने के लिए, वो थी IMAX थिएटर, वडाला IMAX के बाजू में लाइन पे, वहाँ पे नागोरी चाय वाला, उसके वहाँ से मैं वो लेता था, क्या है वो, खवा लेते थे, खवा मैं चाय पीती थी, चाय बैठ के पीती थी, मस्त खवा खाता था, चाय पीते थे, उसके बाद मूड हुआ तो लस्सी पीते थे, फिर थम्सअप भी पीते थे, ये सब नहीं पूछना था, फिर हम लोग आ जाते थे तो वहाँ पर हम लोग बैठा करते थे। असल मैं बताती हूँ, ये सब हुआ, फिर हमारी मीटिंग स्टार्ट हुई, झगड़े बहुत बढ़ते थे, फिर रात में चल नॉर्मल हो जाते थे, फिर कैफ रोज़ आना चालू कर दिए, फिर यहाँ पर रोज़ आते थे घर पे हमारे, मेरे साथ मतलब टाइम स्पेंड करते थे। अच्छा मम्मी को ऐसा कुछ ऐसा नहीं था कि अम्मी ने कभी रोके नहीं कि यार क्यों आ रहा है ये वो, हमेशा कैफ मेरे साथ रहे, मेरे अप एंड डाउन्स में जब मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तब मेरे लाइफ में कैफ आए थे, तब मुझे ऐसा लगा कि हाँ कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, या फिर कुछ अच्छी चीज़ आने वाली होती है तो बुरी चीज़ दूर होती है। इसको अटका दो, ऐसा कुछ नहीं, मैं मस्ती करता हूँ।
तो बस यही था। और शादी का अगर जानना है तो वो बाद में पता चलेगा, थोड़े टाइम रुक जाओ, हर चीज एक ही साथ थोड़ी, यस एक ही साथ थोड़ी ना बताएंगे, थोड़ा 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 थोड़ा। यही ऐसे हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ इंस्टाग्राम से। और 28 मार्च 2020, फिर 28 जून 2020 हम लोग ने रिंग एक्सचेंज किया, उसकी वीडियो देख लेना। उससे पहले मतलब इससे पहले वाले व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं बांटा के घर में बैठा, जो शबे बारात वाला व्लॉग है, उसमें आपने देखा होगा कि जब पहली बार इसके वहाँ पे आए थे, पहली बार मेरे वहाँ पे आए थे, तो उसकी भी क्लिप्स आप लोगों ने थोड़ी छोटी मोटी तो देखी है। सो बहुत स्ट्रगल, बहुत सारी चीज़ों के बाद हम रिलेशनशिप में आए, बहुत कुछ हुआ, अच्छी चीज़ हुई, बुरी चीज़ हुई, बहुत सी चीज़ें हुई, सब बहुत स्ट्रगल की। यस, बहुत लोगों ने तोड़ाने की कोशिश की, बहुत लोगों ने झगड़े लगाने की कोशिश की, बहुत लोगों ने जुड़ाने की भी बहुत कोशिश, नहीं किसी ने जुड़ाने की कोशिश, गलतफहमी। जहाँ तक मुझे मालूम है फ्रॉम माई साइड, मुझे कोई ऐसा बंदा या बंदी या फिर इसके तरफ से ऐसा कोई लगा नहीं जिसने जुड़ाने की कोशिश की हो, हमेशा किसी ना किसी ने तोड़ने की कोशिश की है, और हमेशा हम लोग बहुत लोगों ने दूर करने की कोशिश की, और हमेशा मैं पच जाती थी नहीं तू मुझे नहीं छोड़ सकता, है ना। ठीक है, अभी लग रही है भूख, दिखते हैं कुछ करते, खाने पीने का इंतज़ाम, उसके बाद आपसे मिलते हैं। हाँ, और शादी का अभी नहीं पता चलेगा। आप लोग ये ब्लॉग में अगर कमेंट्स करोगे कि आप लोग को शादी का भी डिटेल चाहिए। सो गाइस, मुझे बस ये बोलना था कि जैसे अभी हमारी शादी हुई, शादी के लिए हम लोग ने क्या किए क्या नहीं करे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा, क्योंकि 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 मैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा ही बड़ा बन चुका है आज का। हाँ, एग्जैक्टली। और हम भी चाहते हैं कि आप लोगों ने इतने दिन वेट किया है लव स्टोरी के लिए, तो लव स्टोरी को यार आधा आधा करके देखेंगे तो और मज़ा भी आएगा। यस, और इंटरेस्ट जागेगा। सो ये फर्स्ट पार्ट था हमारी लव स्टोरी का, जहाँ हमने आपको बताया कि हमारी फर्स्ट मीटिंग, सेकंड मीटिंग, फिर किस तरीके से हमारा रिलेशनशिप चला, और सेकेंडली हम लोग की एंगेजमेंट कब हुई थी, और रही बात अभी शादी की डेट से लेके फिलहाल तक के, ये आपको नेक्स्ट पार्ट पे पता चलेगा। टिल देन इसके अंदर भी अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं आप लोग पूछ सकते हैं तो हम ट्राई करेंगे सेकंड पार्ट में उस क्वेश्चंस का आंसर भी दे देना। ठीक है, सो मिलते थोड़े टाइम बाद। अभी बैठे हुए थे तो हम लोग बैठे हुए थे, कुछ प्लान भी नहीं बना, तो अम्मी आए और अम्मी बोले जाते हैं कहीं बाहर, तो कहीं लेके जा रहे हैं अम्मी, लस्सी कहाँ जाना है कहाँ नहीं, तो माटूंगा वही होटल में, तभी मंगाई इडली, अम्मी ने मंगाई थी चाय और कैफे के भी चाय, सुनता ने यहाँ पर बैठा है वही होटल में भी आके बैठे हैं, ठंडा पानी और लेमन जूस, ये लेमन जूस सेनप के लिए आया है, उसके ही जैसा बीसी बिल्ली राइस नाम वो थाड़ है इसका, पापड़ है और समझानी मेन्दू बड़ा खाएगा, और इडली तो हो गई खा के, बहुत अच्छा है ये राइस और पापड़। स्वामी ये लोग बैठे हैं होटल में ही खा रहे हैं, कैफे वहीं है, मैं उतरी हूँ, माई मीन मैं आई हूँ आगे थोड़ा समझानी के लिए, चिप्स लेने के लिए जो अम्मी लास्ट टाइम लिए थे शॉप से, तो वो लेने के लिए आई हूँ मैं, फटाफट लेती हूँ फिर जाती हूँ होटल की तरफ। गाइस, हम लोग घर पर आ चुके थे और अभी जा रहे हैं हम लोग, मेरे को घेवर खाने का मन हो रहा है, तो कल से हो रहा था, पिछले व्लॉग में भी आप लोग ने देखा रहेगा मुझे नहीं मिला, तो अभी हम लोग फिर से जा रहे हैं, मैंने कैफ को बोला कि मेरे को जाना है मुझे खाना है, तो अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं, साइन ना गुरु कृपा जा रहे हैं साइन में जो है, वहाँ जाके वहाँ से मैं लूँगी, फिर उसके बाद में हम लोग जाएंगे थोड़ा एक राउंड वाउंड मारेंगे, फिर घर पर आ जाएंगे। मैं मिलती हूँ आपसे सीधा वहाँ पहुँच कर, मैं होप करती हूँ कि मुझे वहाँ मिल जाए वो,
क्योंकि होली आज का लास्ट दिन था, तो अगर वो लोग बंद कर देंगे बनाना तो फिर मेरे को नहीं मिल पाएगा। तो मैं फिंगर क्रॉस बस मिल जाए तो मैं आपसे सीधा वहाँ पर पहुँच के मिलती हूँ। हम लोग गुरु कृपा सामान अंदर रख के पागल हो गई है। चलती गाड़ी में से उतर रही, चलती गाड़ी में से उतर रही थी मैं, तो फटाफट जाते दिखते है या नहीं है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं बिल्डिंग में और हम लोग ज़्यादा टाइम माइंड में आज रुके नहीं, हम लोग हार्डली 10 मिनट रुके रह गए। सिर्फ बुरान से एक काम था, वो कुछ सामान लेना था, बट अनफॉर्चुनेटली उसने वो लाया नहीं। एक स्टैंड था जो वीडियो के लिए हम लोग को चाहिए था, जो हमारा टूट गया, तो उसको मैंने बोला था भाई तेरे पास अगर है तो दे देना। उसने बोला मेरे दोस्त के पास है, बट वो नहीं लाया उसने वो भी। तो हम लोग फटाफट से निकल गए, हम लोग ज़्यादा टाइम रुके नहीं वहाँ पर, और खाना वगैरह भी ले लिया। अभी फटाफट से घर पे जाके फ्रेश होते हैं, खाना वगैरह खाते हैं और फिर आपको उसके बाद हम मिलते हैं। तो गाइस हम लोग का खाना खा के काफ़ी टाइम पहले हो चुका है, अभी हम लोग बैठे हैं। शिरीन कौन सी पिक्चर है, बहुत पुरानी पिक्चर है, टेढ़ी छोटी, उसकी छोटी ऐसी होती है वो, ये भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता, ये पिक्चर में गाना है वो। यस ऋषि कपूर है ना, ऋषि कपूर की पिक्चर है, मैं बचपन में देखता था, अभी बहुत टाइम के बाद मेरे को इसके पिक्चर के शॉर्ट्स देखने मिले, तभी वही देख रही है शिरीन। और बस यही खत्म होता है आज का हमारा दिन, उम्मीद करता है वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल गाइस। पार्ट टू के साथ, हमारी लव स्टोरी के पार्ट टू के साथ मिलेंगे जल्द आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड और क्वेश्चंस करना मत भूलना। बिल्कुल हमें क्वेश्चंस पूछना, और कुछ आपको अगर जानना है, अगर टाइम से पहले हमको क्वेश्चंस उतने मिल गए तो हम सारे क्वेश्चंस का आंसर भी आपको दे देंगे। सो टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। देख ले पिक्चर।